व्यूअर्स, आई एम शाहिद यूसुफ, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट क्वेश्चन जो पढ़ा था हमने, वो पढ़ा था हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम, उसके तीन टाइप्स है, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आज हम बात करेंगे डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के हवाले से। जो पहले डिग्री है वो है परफेक्ट इलास्टिक डिमांड, इसके हवाले से आज हम बात करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड विद मी फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी, आपको मैं अच्छी तरीके से कोशिश करता हूं समझाने की, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना होगी। चलो करते हैं स्टार्ट आज का मौजू। जो पहली डिग्री जो है वो है परफेक्ट इलास्टिक डिमांड, और ईडी इज इक्वल टू इन्फिनिटी। इट इज जस्ट, अगर हम डेफिनेशन की बात करेंगे, मैं डेफिनेशन भी आपके लिए तैयार किया है मैंने आपके लिए, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना होगी। तो चले करते हैं स्टार्ट इसकी डेफिनेशन। इट इज ए सिचुएशन वेयर देयर इज जीरो चेंज इन प्राइस बट कंसिडरेबल चेंज इन डिमांड, और इन अदर वर्ड्स चेंज इन डिमांड बट प्राइस रिमेंस अनचेंज्ड। ये सिंपल सी डिफिनेशन है, इसको पढ़ने से ही इंसान को समझ आता है ये डिफिनेशन हमें क्या कहती है। फिर से आपको बताते चलूं, ये डिफिनेशन, इट इज ए सिचुएशन, ये वो हालात है जब वायर देयर इज जीरो चेंज इन प्राइस, जब जीरो चेंज प्राइस में आएगी, प्राइस और प्राइस रिमेन्स अनचेंज, प्राइस में कोई चेंज आएगी नहीं, बट कंसिडरेबल चेंज, बहुत सारी चेंज किस में आएगी, डिमांड में, बट कंसिडरेबल चेंज इन डिमांड, और इन अदर वर्ड्स। अगर इस तरीके से आपको समझना आए, आपको समझाने के लिए मैंने थोड़ा सा और इसमें ऐड किया है, वो मैं आपको बताते चलूं। और इन अदर वर्ड्स चेंज इन डिमांड बट प्राइस रिमेन्स अनचेंज्ड, जब डिमांड हमारी जो है चेंज हो जाएगी लेकिन जो प्राइस है वो चेंज नहीं होगा, वो चेंज नहीं होगा। फिर से आपको बताते चलो, इट इज अ सिचुएशन वेयर देयर इज जीरो चेंज इन प्राइस, ये वो हालात है, ये वो सिचुएशन है जब प्राइस में जो कोई चेंज नहीं आएगी, बट कंसिडरेबल चेंज इन डिमांड, डिमांड में जो कंसिडरेबल चेंज आएगी, और इन अदर वर्ड्स चेंज इन डिमांड बट प्राइस रिमेन्स अनचेंज्ड, चेंज हमारी जो डिमांड है चेंज हो जाएगी बट जो प्राइस है वो अनचेंज्ड रहेगी। और इन अदर वर्ड्स में आपको ग्राफिकली भी समझा दूंगा। ये रही हमारी डिमांड करो, ये हमें क्या बताती है, ये जो लाइन है प्राइस लाइन, ये हमें क्या शो करती है, इट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये पैरेलल है एक्स एक्सिस से, ये हॉरिजॉन्टल है, क्या है, हॉरिजॉन्टल, वही ये प्राइस लाइन, मानो ये प्राइस लाइन है, प्राइस जो है सेम रही है, ना चेंज इंक्रीज हुई है ना डिक्रीज हो गई है, हमारी जो प्राइस है वो। तो ग्राफिकली समझाने की कोशिश करता हूँ, ये रहा इसका ग्राफ, मैं आपको बताते चलूं, जो प्राइस है वो सेम रहा है, जो प्राइस है वो चेंज नहीं हुआ है, वो हॉरिजॉन्टल है। और आपको बताते चलूं, ये जो लाइन है ये पैरेलल है एक्स एक्सिस, इट इज पैरेलल ऑन एक्स एक्सिस, जो डिमांड है हमारी वो इंक्रीज हो गई, उसमें चेंज आ गई, पहली थी 20 फिर हो गई 30, पहली थी 20 फिर हो गई 30। आपको बताते चलो, जो प्राइस है हमारा वो अनचेंज्ड रहा, उसमें कोई चेंज नहीं आई, बट जो हमारी डिमांड है वो इंक्रीज हो गई, वो उसमें चेंज आ गई। ये रहा पहला पॉइंट, परफेक्ट इलास्टिक डिमांड। अब हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, परफेक्ट इन इलास्टिक डिमांड। नाउ परफेक्ट इन इलास्टिक डिमांड और ईडी इज इक्वल टू जीरो, अगर मैं डिफिनेशन की बात करता हूं तो मैं पढ़ता हूं आपके सामने डिफिनेशन और आपको समझाने की अच्छी तरीके से कोशिश करता हूं। इट इज अ सिचुएशन व्हेन देयर इज कंसिडरेबल चेंज इन प्राइस बट डिमांड रिमेन्स अनचेंज्ड और देयर इज जीरो चेंज इन डिमांड विद द चेंज इन प्राइस। ये वो सिचुएशन है जब कंसिडरेबल चेंज आएगी प्राइस में, जब बहुत सारी चेंज आएगी प्राइस में, बट डिमांड जो है हमारी, जो डिमांड है हमारी वो रिमेन, वो अनचेंज रहेगी, देन बट डिमांड रिमेन्स अनचेंज्ड, जो डिमांड है हमारी वो अनचेंज रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगी, और देयर इज जीरो चेंज इन डिमांड। ये और अगर इस तरीके से आपको समझना आए, थोड़ा सा ऐड किया आपको अच्छी तरीके से समझाने की, और देयर इज जीरो चेंज इन डिमांड, जब डिमांड में है, जो डिमांड में चेंज आएगी वो जीरो चेंज आएगी, और किससे, चेंज इन प्राइस, प्राइस कितना भी चेंज हो बट डिमांड रिमेन्स अनचेंज्ड। ग्राफिकली मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, स्टे ट्यून्ड विद मी फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी। ये रही डिमांड, डिमांड जो है, इट इज दिस
curve is, this line is parallel to y-axis, this line is parallel to y-axis, जो डिमांड है हमारी, डिमांड जो है वो है अनचेंज्ड, but price increases, ये है price, ये price है, ये increase होता है, but जो डिमांड है हमारी वो अनचेंज्ड रहती है, उसमें कोई चेंज नहीं आती है. इट इज parallel टू दिस curve इज parallel टू y axis. ये रहा दूसरा पॉइंट, परफेक्ट इन इलास्टिक डिमांड. नाउ यूनिटरी इलास्टिक डिमांड और ED इज इक्वल टू 1. इट इज द सिचुएशन व्हेन देयर इज रेस्पॉन्सिवनेस और इक्वल चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू रेस्पॉन्सिवनेस और इक्वल चेंज इन प्राइस सच दैट टोटल एक्सपेंडिचर रिमेन्स सेम. आपको बताते चलो इस डेफिनेशन के साथ, इट इज अ सिचुएशन, ये वो हालत है व्हेन देयर इज रेस्पॉन्सिवनेस. रेस्पॉन्सिवनेस मतलब इक्वल चेंज, बराबर चेंज आएगी किसमें, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, डिमांड में ड्यू टू रेस्पॉन्सिवनेस चेंज, किसके कारण, ड्यू टू रेस्पॉन्सिवनेस चेंज इन प्राइस, प्राइस में और डिमांड में इक्वल चेंज आएगी. ये कहलाता है हमें यूनिटरी इलास्टिक डिमांड और ईडी इज इक्वल टू 1. ED मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. अगर आप इस सोच में पड़े हैं व्हाट डज ED इज इक्वल टू मीन, ED मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1. इट इज अ सिचुएशन व्हेन देयर इज रेस्पॉन्सिवनेस चेंज और इक्वल चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू इक्वल चेंज इन प्राइस. ये वो हालत है जब क्वांटिटी डिमांड, जब क्वांटिटी डिमांड में इक्वल चेंज आएगी, किसके कारण, जब प्राइस में भी इक्वल चेंज आएगी. आपको ग्राफिकली समझाने की कोशिश करता हूं, स्टे ट्यून्ड विद मी फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी. ये रहा ग्राफ, जब हमारी जो प्राइस है वो भी इंक्रीज होता गया और जो डिमांड है वो भी इंक्रीज होती गई. जब डिमांड थी 5 उस वक्त, जब सॉरी प्राइस था 5 उस वक्त, डिमांड थी 10 और जब डिमांड थी 10 और मैंने आपको लॉ ऑफ डिमांड पढ़ाया, देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांड एंड प्राइस. सेम इज द केस हियर. जब प्राइस इंक्रीज होता जा रहा है उससे क्या होता है, हमारी डिमांड जो है कम होती जा रही है. जब प्राइस में मार्केट में था 5 उस वक्त जो डिमांड है वो थी 10. सेम इज द केस हियर, जब प्राइस इंक्रीज होता गया, जब प्राइस 10 पर पहुंच गया उससे क्या हुआ, हमारी डिमांड जो है कम होती गई, जो वो डिमांड थी उस वक्त 5. ये रहा और जो हमारी जो करो यहाँ पर बनी वो ED इज इक्वल टू वन. ये रही डिमांड करो. ये था तीसरा पॉइंट, यूनिट इलास्टिक डिमांड और ED इज इक्वल टू 1. Stay tuned with me. The fourth point is highly elastic demand or greater than unitary or ED is greater than 1. क्या सिचुएशन, क्या हमें बताता है, क्या डेफिनेशन हमें बताती है, करते हैं स्टार्ट. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1. जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो ग्रेटर देन 1 है. क्यों, व्हेन देयर इज लिटिल चेंज इन प्राइस, जब प्राइस में बहुत कम चेंज आएगी, बट कंसिडरेबल चेंज इन डिमांड, जब क्योंकि कंसिडरेबल चेंज, बहुत सारी चेंज डिमांड में आएगी, सच दैट एक्सपेंडिचर इंक्रीज विद द फॉल इन प्राइस एंड डिक्रीज विद द राइज इन प्राइस. आपको फिर से एक बार बताते चलो क्या हमें बताती है ये डेफिनेशन, ग्रेटर देन वन. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1 व्हेन देयर इज लिटिल चेंज इन प्राइस. आई होप आपको समझ आया होगा, आसान सी डेफिनेशन है समझने में. But considerable change in demand such that total expenditure increase. Stay tuned with me for the sake of simplicity. Considerable change in demand such that total expenditure increase with the fall in price and decrease with the rise in प्राइस. ग्राफिकली मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं अच्छी तरीके से. जब हमारा प्राइस जो है 2 था उस वक्त हमारी डिमांड जो है 25 थी और जब प्राइस इंक्रीज हुआ उस वक्त जो हमारी डिमांड है, जब प्राइस पहुंच गया 2 से लेकर 4 तक, उस वक्त जो हमारी डिमांड थी वो थी 10. हमें डिमांड करो देखने को मिली, ये हमें क्या शो करता है, ED इज इक्वल टू ग्रेटर देन 1. ये था चौथा पॉइंट, हाईली इलास्टिक डिमांड. नाउ द फिफ्थ पॉइंट इज हाईली इन इलास्टिक और लेस देन यूनिटरी इलास्टिक और ED is equal to less than 1. It is a situation where there is considerable change in price but little change in demand. I hope आपको समझ आया होगा. Same definition है. It is a situation where there is considerable change. जब बहुत सारी change आएगी किस में? Price, but little change आएगी हमारी demand में. Such that total expenditure decreases
when price falls and increase when price rises. Same is the case here. मैं आपको graphically समझाने की कोशिश करता हूं. जब हमारा price था 5, उस वक्त जो demand है हमारी वो है 10, और जब price बढ़ता गया उससे क्या होगा, हमारी डिमांड जो है कम होती गई. जब प्राइस था फिर 8, हमारी डिमांड जो है वो भी रही और हमें देखने को मिले, हमें ये डिमांड कर्व शो करता है ED इज इक्वल टू लेस देन वन. ये था आज का मौजू डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. इसके बारे में कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा.